दिल्ली की सभी विधानसभा में आज से होगा सुंदरकांड का पाठ। आज से आप हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। सीएम केजरीवाल आज पत्नी संग करेंगे हनुमान जी की पूजा। दोपहर 3 बजे रोहिणी के मंदिर में सुंदरकांड का करेंगे पाठ। आज से आम आदमी पार्टी हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। सीएम केजरीवाल आज पत्नी के साथ करेंगे सुंदरकांड का पाठ। आज से आप हर जगह हर महीने होगा सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर किया जाएगा सुंदरकांड का पाठ। तो दिल्ली की सभी विधानसभा में आज से होगा सुंदरकांड का पाठ। आम आदमी पार्टी के द्वारा चलाया गया अभियान, आज से आम आदमी पार्टी हर महीने करेगी सुंदरकांड का पाठ। दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगहों पर होगा सुंदरकांड का पाठ। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा सुंदरकांड के पाठ की मुहिम चलाई जा रही है, आज से सुंदरकांड के पाठ का प्रारंभ होगा, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं, क्या जानकारी है? देखिए प्रियंका, बिल्कुल बता चाहूंगा, एक और जहां 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के देश भर में उत्साह का माहौल है, तो वहीं उससे पहले दिल्ली सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। और इस घोषणा के तहत हर महीने के पहले मंगलवार को दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में और मंदिरों में जो है हनुमान चालीसा और सुंदर पाठ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज 16 जनवरी से की जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि बीते सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ बादल ने इसकी घोषणा की, जिसके बाद आज इसकी शुरुआत हो रही है। और इसकी शुरुआत में ही खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज खुद अपनी पत्नी के संग दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में पहुंचेंगे। तकरीबन 3 बजे वो यहाँ आएंगे और यहाँ पर वो खुद हनुमान चालीसा के इस पाठ में शामिल होंगे और हनुमान की पूजा करेंगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई है, हर महीने कार्यक्रम किया जाएगा, महीने की किस मंगलवार को ये निर्धारित किया जाएगा, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जब दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने इसकी घोषणा की तो उन्होंने स्पष्ट रूप में बताया कि ये हर महीने के जो पहला मंगलवार होगा उस दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और दिल्ली के तमाम विधानसभा में किया जाएगा। पहले ये विधानसभा स्तर पर किया जाएगा, उसके बाद बूथ स्तर पर भी ये करने की तैयारी है। अभी अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में 2600 से ज्यादा जगह ऐसे चिन्हित किए गए हैं जहां पर ये जो सुंदरकांड का पाठ है ये किया जाएगा और हर मंदिरों में धीरे धीरे ये प्रक्रिया जो है वो दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी, जहाँ दिल्ली सरकार के जो तमाम जो विधायक हैं वो भी उपस्थित होंगे। और जैसा मैंने कहा, विधानसभा के बाद बूथ स्तर पर भी ये जाने की तैयारी है और धीरे धीरे हर मंदिरों में ये जो कार्यक्रम है वो आयोजित किया जाए। जी, इसके अलावा आज 3 बजे रोहिणी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हुए नजर आएंगे, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जैसा मैंने बताया कि आज के दिन से शुरुआत है और आज के दिन ही दिल्ली के तमाम मंदिरों में दिल्ली सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो भी पहुंच रहे हैं और अलग अलग मंदिरों से वो इस शुरुआत को कहीं ना कहीं शुरुआत आधिकारिक रूप से भी शुरुआत कर रहे हैं। और इसी में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं वो अपनी पत्नी के संग दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 11 में आएंगे। यहाँ पे बालाजी मंदिर है, यहाँ पर वो इस हनुमान चालीसा के पाठ में हिस्सा लेंगे। और उससे पहले अगर मैं सुरक्षा की बात करूँ तो यहाँ सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं और उन्होंने विशेष तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको भी आमंत्रित किया है और साफ तौर पर कहा है कि सभी लोग ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में हिस्सा लें, तो इस सुंदरकांड का जो पाठ होगा, हनुमान चालीसा का जो पाठ होगा, इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएं और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी सुनिश्चित करें। जी, इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस मुहिम की शुरुआत की गई है और अलग अलग जगहों पर हर मंगलवार को होगा, क्या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सहयोग दिया जाएगा, क्या कुछ निर्देश और हिदायत दी गई है? देखिए, प्रशासन की तरफ से फिलहाल अभी ऐसा कोई जो मामला है सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में किया है तो इसमें सबसे बड़ी चीज यह है कि दिल्ली सरकार के जो तमाम जो विधायक हैं उनकी तरफ से विशेष जो भागीदारी है वो देखने को मिलेगी। तमाम जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इसमें अपनी हिस्सेदारी निभाएंगे और जैसा कि मैंने कहा कि खुद जो दिल्ली का तमाम जो मंत्री हैं वो भी इस जो मुहिम में वो अभी से ही जुट गए हैं, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो प्रशासन की जो तरफ से जो भी अगर मैं कहूँ कि
जो भी वरीयता होती है वो निभाई जाएगी, प्रशासन से जो उनकी जिम्मेदारी होती है वो भी उनको दी जाएगी, ताकि प्रशासन के साथ मिल करके ये जो अभियान जो शुरू किया गया है दिल्ली सरकार द्वारा ये आगे बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल, तो आम आदमी पार्टी के द्वारा जिस तरह से शुरुआत की गई है, स्थानीय लोग और दिल्ली वासियों की प्रतिक्रिया की बात करें तो क्या कुछ प्रतिक्रिया हो रही, क्योंकि 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी होनी है और ऐसे में राममय देश में सुंदरकांड का पाठ कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर एक दूसरे को और जनता को जोड़ने का काम करेगा। देखिए बिल्कुल प्रियंका, बता चाहूंगा 22 जनवरी को रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है वो होना है, और इससे पहले ही जो देश भर में जो तमाम जो लोग हैं वो राम की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, सभी लोग राममय दिखाई दे रहे हैं। उससे पहले दिल्ली सरकार ने जो एक घोषणा की है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक भावनात्मक जो रूप से जोड़ने का प्रयास किया है, क्योंकि पहले से ही जहाँ सभी लोग रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के उत्सुक है, तो वही अब ये जो घोषणा की गई है कहीं ना कहीं ये भावनात्मक लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह है, तो कहीं ना कहीं इस जो ये नई जो अभियान की जो शुरुआत की गई है दिल्ली सरकार द्वारा, इसमें भी कहीं ना कहीं लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इस दिल्ली सरकार के फैसले की जमकर सराहना भी कर रहे हैं। जी अजीत, इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी के द्वारा इस ऐलान के बाद AIMIM के चीफ ओवैसी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया था, जिस पर राघव चड्ढा का बयान भी सामने आया है, तो क्या राजनीति भी साथ साथ देखने को मिल रही है? देखिए प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है, जल्द ही देश भर में लोकसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां एक और भाजपा की अगर मैं बात करूं तो भाजपा ने जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के जो एक नई मुहिम छेड़ी है, तो निश्चित तौर पर और उसके बाद अब दिल्ली सरकार का जो आम आदमी पार्टी है वो उनकी ये नई घोषणा, कहा जा सकता है कि ये चुनावी जो है उसको भी कहीं ना कहीं उससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तो ये सिंपल साफ शब्दों में कहा जा सकता है कि चुनावी जो आरोप और प्रत्यारोप है इसके बाद आने वाले समय में और भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से जहां एक और भाजपा पहले से राम मंदिर के मुद्दे पर लोगों के बीच पहुंच रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी का जो ये घोषणा है ये भी दिल्ली में काफी हद तक जो आम आदमी पार्टी से लोगों को जो भावनात्मक रूप से जो जुड़ने का जो प्रयास है उसमें काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है। तो ऐसे में ये चुनावी मुद्दा जरूर बन सकता है और आने वाले समय में आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो और तेज हो सकता है। जी जी बिल्कुल अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।